हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कैप का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, जो कि लुक वाइज बहुत सुंदर लग रही है और बनाने में बहुत इजी है। इस कैप को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और ये हमारा कैप का डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और देखिए, मैं इसे इस तरीके का डबल बॉर्डर वाला बना रही हूँ, तो मैंने इसका बॉर्डर लंबा बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये कैप की जो लेंथ है वो कम्प्लीट हो चुकी है। देखिए, मैं आपको इस कैप की लेंथ बाद में मेजर करके बताऊंगी, पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए, अगर इसमें बताऊंगी तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो मैं एक छोटे से पार्ट में आपको पहले ये डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 2 के मल्टीपल पे फंदे लेके 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है, 14 फंदे डाले हैं। उसके बाद देखिए, इस वाले में मैंने क्या किया है, 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे हमने राइट साइड में 2 सीधे बुने हैं, वो हम बैक साइड में 2 उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा जो बॉर्डर है वो रेडी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके का बॉर्डर बनाने से जो हमारी कैप है वो बिल्कुल रेडीमेड लुक की लगती है और ये स्ट्रेचेबल भी होती है, तो पहनने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल होती है। तो आप इस तरीके का बॉर्डर ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए देखिए, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बॉर्डर आपको बना के दिखाया है। ये देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, और देखिए जो 2 फंदे राइट साइड में उल्टे हैं, ये देखिए जस्ट बैक साइड में वो 2 सीधे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बॉर्डर रेडी करना है। इसका मेज़रमेंट मैं फिर आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, देखने में आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा लेकिन बनाने में बहुत ईजी है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए, लुक वाइज बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरीके का ये डिज़ाइन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, फंदे डाल के बॉर्डर रेडी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये राइट साइड है हमारा बॉर्डर के बाद, तो राइट साइड से देखिए फर्स्ट रो हम इस तरीके से सीधी सीधी बुनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक रो है, ठीक है, ये हमारी बेसिक रो है, जो कि हम बस जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तभी हम इसे बनाएंगे, ठीक है। बाकी डिज़ाइन के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो हमारा डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। बस ये बेस रोज़ हैं, जो कि 4 रोज़ हैं, वो हमें शुरू में ही बनानी है जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रो 1 राइट साइड से सीधा बुन के कम्प्लीट कर दिया है। अब देखिए, रो 2 है बैक साइड से, देखिए ये भी बेसिक रो है, इसे हम बैक साइड से उल्टा उल्टा बुन के रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक बार आप इस कैप को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सुंदर बन के रेडी होती है। अभी आप देखिएगा, जब इसे मैं रेडी करूँगी, बिल्कुल रेडीमेड लुक की कैप बन के रेडी होती है। अगर आप मार्केट से इस तरीके की कैप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली आती है। ये देखिए, रो 2 कम्प्लीट हो गई है। अब देखिए, राइट साइड है, ये भी बेसिक रो है, रो 3 है, इसे भी हम रो 1 की तरह राइट साइड से सीधा सीधा बुन के कम्प्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 3rd बेसिक रो कम्प्लीट हो गई है। अब देखिए, बैक साइड है और ये 4th रो है। देखिए, 4th रो को हमें बैक साइड से, ये देखिए, रो 2 की तरह उल्टा उल्टा बुन के रेडी करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस कैप को आप अपने जो भी कलर आपको पसंद है उनका कॉम्बिनेशन बना के इसे रेडी कर सकते हैं, और आप मल्टी कलर की भी इस कैप को बना के रेडी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बचे हुए वूल हैं तो उनसे भी आप ये कैप बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी 4 रोज़ बैक साइड कंप्लीट हो गई है और 4 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, ये बेसिक रोज़ हैं, ये सिर्फ एक ही बार बनेंगे जब हम ये डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो देखिए, ये देखिए, 2nd कलर ये है। देखिए, कलर चेंज करने का सबसे ईजी तरीका है, इस वाले जो धागा हमारा चल रहा है उस धागे में इसे हम इस तरीके से नोट लगा लेंगे ऐसे, ये देखिए, उसके बाद इस तरीके से खिसका लेंगे तो ये देखिए अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, 1st फंदा हमारा एज स्टिच का फंदा है, इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, ये देखिए मैं इसे बुन लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए, एज स्टिच का फंदा हमने छोड़ दिया है, उसके बाद हमने क्या किया, 2 फंदे सीधे बुने। और अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये देखिए, 1 2 3, और देखिए 4th वाले होल में हमें इस तरीके से सिलाई डालनी है। और ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, थोड़ा सा लंबा हमें धागा इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और 2,
ये देखिए दो फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर से ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल नज़दीक से, ये देखिए एक दो तीन और चार, चौथे होल में हम इस तरीके से फंदा डालेंगे और इसे थोड़ा सा लंबा निकालेंगे ऐसे। बस आपको फर्स्ट टाइम ही देखने की ज़रूरत है, बाकी जब हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली ऐसे ही इसे बुन लेंगे क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से ये बनता चला जाएगा। तो देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, दो फंदे सीधे, ठीक है, फिर से एक दो तीन, चौथे वाले होल पर हमें इस तरीके से डालना है और यहाँ से हमें एक फंदा इस तरीके से ढीला निकालना है। फिर से एक दो फंदे सीधे, फिर से देखिए एक दो तीन, और ये देखिए चौथे नंबर के होल से इस तरीके से फंदा निकालेंगे, ढीला निकालेंगे थोड़ा सा। फिर से एक दो, और देखिए एक एक दो तीन, और ये देखिए चौथा वाला होल है, ठीक है, चौथे होल से इस तरीके से फंदा डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जैसे हमारे शुरू में दो फंदे थे एक एज स्टिच है, वैसे ही लास्ट में भी देखिए दो फंदे सीधे और थर्ड एज स्टिच है, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। देखिए दो के मल्टीपल फंदे डालने हैं, दो फंदे एक्स्ट्रा, तो ये हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी कैप में डालने हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। ये देखिए अब देखिए हमारी डिज़ाइन की रो टू है, देखिए बेसिक रोज चार हमने बुन के रेडी किए हैं, अब ये डिज़ाइन की हमारी सेकेंड रो है बैक साइड से। तो देखिए इसे भी ध्यान से देखिए, देखिए एज स्टिच का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, उसके बाद देखिए एक दो फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद देखिए जो फंदा हमने ये जो लंबा हमने नीचे से निकाला था उसे हम इस तरीके से स्लिप कर देंगे, ठीक है। फिर से दो फंदे उल्टे, और देखिए ये जो लंबा वाला फंदा है इसे स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे और ये लंबा वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे ये लंबा वाला फंदा स्लिप, फिर से दो फंदे उल्टे और ये लंबा वाला फंदा स्लिप, लास्ट में तीन फंदे एक दो, और ये एज स्टिच का फंदा है ये भी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारे बैक रो कंप्लीट हो गई, रो टू, ठीक है, डिज़ाइन की रो टू कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो थर्ड है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसे ध्यान से देखिए आप, ये देखिए देखिए एज स्टिच का फंदा सीधा बुना, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लिया साइड वाला, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए ये वाला फंदा आपको दिख रहा है जो हमने ढीला रखा था, इन फंदे को देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे स्लिप करना है दोनों को, ठीक है। राइट वाली नीडल में इस तरीके से स्लिप करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को ये देखिए लेफ्ट नीडल को ऐसे डाल के इसे हम बुन लेंगे एक फंदा, और ये दूसरा वाला फंदा भी हमें यहाँ पर इस तरीके से बुनना है। ये देखिए दो फंदे हमने बुन लिए, उसके बाद इस वाले फंदे को इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से डालना है। ये देखिए डिज़ाइन रेडी हो गया। फिर से बताती हूँ, ऐसे आपको बिल्कुल भी इसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालेंगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये वाला फंदा जो ढीला वाला फंदा है वो हमें बैक साइड में चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे करेंगे तो ये वाला फंदा आप इस तरीके से करेंगे, देखिए इस साइड से सिलाई डाल के ऐसे करना है, उसके बाद ये देखिए बैक वाला फंदा जो है इसे हमें सीधा बुन लेना है, उसके नेक्स्ट वाला फंदा भी इस तरीके से सीधा बुनेंगे। जैसे ही दो फंदे सीधे बुनेंगे उसके बाद इस फंदे को लेफ्ट नीडल से इन दोनों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही ईजी है, फिर से बता रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से दोनों फंदे निकालेंगे लेफ्ट नीडल में, फिर देखिए जो बुना हुआ फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए स्लिप वाला फंदा इस तरीके से इन दोनों के ऊपर से डालेंगे। ये देखिए फिर से इस तरीके से उतारेंगे, फिर देखिए बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा नेक्स्ट वाला सीधा बुनेंगे, उसके बाद ये देखिए जो ढीला वाला फंदा है उसको इनके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। ये देखिए फिर से लास्ट वाला है, देखिए इस साइड से आप करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में देनी है, इस साइड से ऐसे उठाना है। ये देखिए उसके बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे, उसके बाद इन दो के ऊपर से ढीले वाले फंदे को उतार देंगे ऐसे, और फिर लास्ट में दो फंदे सीधे। देखिए हमारे डिज़ाइन की रो थर्ड कंप्लीट हो गई है, अब देखिए बैक साइड है और रो फोर्थ है। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ रो को हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा बुन के रेडी करना है। ये देखिए ये डिज़ाइन की फोर्थ रो है, और ये देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बैक साइड से बना के रेडी होगी। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए इस तरीके से बैक रो हमारी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए
अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड आ गई है। देखिए ये डिज़ाइन आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, अब हमें कलर चेंज करना है। अब देखिए कैसे करना है हमें, ये देखिए पहला फंदा हम, ये फिफ्थ रो है, ये देखिए एक कलर से हम चार लाइंस बुन रहे हैं। तो देखिए फिफ्थ रो में हम कलर चेंज करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, हम दो फंदे यहाँ पे इस तरीके से सीधे बुनेंगे, ये देखिए ठीक है। एक एज स्टिच का फंदा और एक ही फंदा हम सीधा बुनेंगे। जब हमने नीचे वाला डिज़ाइन निकाला था तो हमने क्या किया था, एक एज स्टिच और दो फंदे सीधे बुन के फिर हमने ये डिज़ाइन निकाला था। अब ये जब हमारा सेकंड कलर आएगा तो एक हम एज स्टिच और एक फंदा, देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक इधर आ रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर नहीं आ रहा है। देखिए दूसरा डिज़ाइन हमारा इसके ऊपर आ रहा है जिससे इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है। तो बस साइड में ही आपको ध्यान देना है तो उससे आपका डिज़ाइन इसी तरीके का आएगा। ये देखिए अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमें ये डिज़ाइन यहाँ पे निकालना है। साइड में आप देखिए कि एक एज स्टिच और एक फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद देखिए हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए, वैसे मैं आपको फर्स्ट टाइम गिन के दिखा रही हूँ, देखिए एक दो तीन, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो ये दूसरा कलर है, लेकिन देखिए इसके अंदर हमारा वही कलर है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो बस आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, बस सीधे आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये देखिए ठीक है। ये देखिए अब हमको जो चार रोज हमने यहाँ पे बुनी थी बेसिक रो, वो नहीं बुननी है, ये देखिए ऑटोमेटिकली डिज़ाइन के हिसाब से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे फिर से, देखिए दो फंदे सीधे, ये देखिए आपको गिनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से एक दो तीन, और देखिए इसी वाले फंदे के नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ठीक है चौथा है। तो ऐसे निकालेंगे और इसे हम इस तरीके से ढीला निकालेंगे, फिर से बता रही हूँ एक दो, ये देखिए सीधे आप यहाँ से निकालिएगा आप, इसे आपको गिनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि फोर्थ जो होल है वो यहीं पे आएगा हमारा। ये देखिए इस तरीके से फिर से एक दो फंदे सीधे, ये देखिए फोर्थ रो, ये देखिए होल यहाँ पे है इस तरीके से, ये देखिए निकालेंगे फिर से एक दो फंदे सीधे, और देखिए फोर्थ होल यहाँ पे है ठीक है, ऐसे डाल देंगे, ये देखिए फिर से एक दो फंदे सीधे, और देखिए फोर्थ होल हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम एक ढीला फंदा ऐसे निकालेंगे, और लास्ट में दो फंदे सीधे, एक सीधा फंदा और एक एज स्टिच का फंदा। ये देखिए ये हमारी रो फिफ्थ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, सिक्स्थ रो है, तो देखिए सिक्स्थ रो में हमें क्या करना है, एज स्टिच का फंदा उल्टा, देखिए ये वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने नीचे से लंबा फंदा निकाला था इसे स्लिप करेंगे, देखिए दो फंदे उल्टे और ये लंबा वाला फंदा स्लिप, फिर से दो फंदे उल्टे लंबा वाला फंदा स्लिप, फिर से दो फंदे उल्टे लंबा वाला फंदा स्लिप, दो फंदे उल्टे लंबा वाला फंदा स्लिप, दो फंदे उल्टे लंबा वाला फंदा स्लिप, फिर से लास्ट में एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा उल्टा। सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है और सेवन्थ रो है, तो देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए ये दो फंदे हैं, इस साइड से हमें इस तरीके से स्लिप करने हैं ठीक है। पहला फंदा हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, जैसे दो फंदे सीधे जाएंगे इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे, फिर से इस तरीके से निकालेंगे, फिर देखिए फर्स्ट फंदा सीधा दूसरा फंदा सीधा, इन दोनों के ऊपर से इसे उतार देंगे ऐसे, फिर से ये देखिए इस तरीके से, और देखिए फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, ये देखिए स्लिप वाले फंदे को इन दो के ऊपर से उतार देंगे फिर से इस तरीके से, देखिए फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, सेकंड फंदा सीधा बुनेंगे, और ये देखिए स्लिप वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर से इस तरीके से निकालेंगे, देखिए फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे सेकेंड वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, स्लिप वाला फंदा इनके ऊपर से उतार देंगे ऐसे ठीक है। फिर से देखिए इस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे सेकंड वाला फंदा सीधा बुनेंगे, और इन दो के ऊपर से स्लिप वाले फंदे को उतार देंगे, लास्ट में एज स्टिच है इसे सीधा बुन देंगे। ये देखिए सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है और एट्थ रो है, देखिए एट्थ रो हमारी इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के रेडी होगी। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और ईजी डिज़ाइन है, आपने देख लिया कि कितने ईजिली ये बन जा रहा है, उल्टा सीधा ही हमें बुनना है। इसमें आप इसका कैप भी बना सकते हैं और लेडी कार्डिगन बनाइए, बच्चों का ड्रेसेस बनाइए, कैप बनाइए, सभी में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए एट्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है, और देखिए
एट्थ रोज का ये हमारा रिपीट पैटर्न है। ये देखिए अब हमें फिर से रो वन से स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ जो रो वन थी, ठीक है, तो अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे। अब देखिए तीन फंदे हमें यहाँ पे, ये देखिए स्काई ब्लू कलर के बुनने हैं और यहाँ से हमें डिज़ाइन निकालना है ये नीचे से, ठीक है। तो ऐसे ये डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे तो हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए तो आप ज़रूर अपने पसंद के धागों से इस कैप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो अब मैं इसका मेज़रमेंट आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फंदे बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं 86 फंदे, 86 फंदे मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। दो के मल्टीपल पे फंदे हैं, दो फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो 86 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। और अब मैं इसकी लेंथ आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले मैं आपको जो इसका बॉर्डर है इसकी लेंथ बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए 4 इंच का मैंने इसका बॉर्डर रेडी किया है, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूँगी तो 2-2 इंच में ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो 4 इंच का इसका बॉर्डर है। उसके बाद देखिए मैं ऊपर वाला पोर्शन आपको बताती हूँ। ये देखिए 6 इंच का हमारा ये, यहाँ से यहाँ तक देखिए 6 इंच का हमारा ऊपर वाला पोर्शन है और 10 इंच का हमारा ये पूरा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके फंदे घटाने हैं, तो थोड़ी सी हाइट फिर हमें फंदों से मिल जाएगी। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो देखिए फंदे घटाना मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखिए अब ऊपर को हम इस कलर से ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड कलर को मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि बुनने में ईजी हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से नोट भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है फंदे घटाने के लिए, पहले हमें देखिए 1, 2, काफ़ी बार मैंने बताया है फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, और मैं बैक वाला पोर्शन नहीं बताऊँगी क्योंकि बैक साइड को हमें उल्टा उल्टा बुन के ही रेडी करना है। तो देखिए राइट साइड से 3, 4, 5, 6, 7 सात फंदे हमने इस तरीके से सीधे बुने। उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये रो कंप्लीट हो जाएगी और बैक रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी राइट रो और बैक रो कंप्लीट हो गई है, फिर से हम राइट रो में आ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, 7 फंदे सीधे, उसके बाद 2 का 1 किया था। अब हमें क्या करना है, 6 फंदे सीधे और 2 का 1 करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 फंदे सीधे। देखिए ये घटा हुआ फंदा ये है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से 2 का 1। ये देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे। ये देखिए ये घटा हुआ फंदा ये दिख रहा होगा, इसी के ऊपर से आएगा बार बार। ये देखिए 2 का 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम राइट रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करेंगे, फिर मैं राइट रो में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमारी राइट रो आ गई है और देखिए आपको फंदे जो घटे हैं वो दिख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 1 देखिए एडजस्ट का फंदा छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए ये वाला फंदा है, बार बार इसी के साथ आएगा। हम एक एक फंदा कम करते जा रहे हैं तो देखिए इसी के साथ ये घटेगा। ये देखिए ठीक है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे और ये देखिए ये घटा हुआ फंदा है, इसी के साथ इस तरीके से घटाएंगे। ये देखिए तो ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करके बैक रो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमारी राइट रो आ गई है। अब फिर से हमें क्या करना है, ये देखिए, ये देखिए 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बुनने और देखिए ये फंदा घटा हुआ है, इसी के ऊपर करेंगे 2 का 1, ठीक है। 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे और ये देखिए ऑटोमेटिकली ये इसी फंदे के ऊपर आएगा। ये देखिए 2 का 1। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमारी राइट रो आ गई है। ये देखिए ये लाइन इस तरीके की है, जो कि जिसका लुक की बहुत अच्छा लगता है कैप को पहनने के बाद। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, देखिए एडजस्ट का फंदा मैंने अलग से रखा है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 फंदे सीधे
और ये देखिए ये फंदा घटा हुआ है, इसी के ऊपर से घटाएंगे दो का एक, फिर से एक दो तीन फंदे सीधे, ये देखिए दो का एक, ये देखिए ऐसे ही हम राइट रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करेंगे। बैक रो हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी राइट रो आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए एक दो फंदे सीधे और ये देखिए ये हमारा घटा हुआ फंदा है दो का एक, फिर से एक दो फंदे सीधे और ये देखिए दो का एक। ऐसे ही हम राइट रो कंप्लीट करेंगे और बैक रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी राइट रो आ गई है, तो एक फंदा हम एच का बुन लेंगे ऐसे, उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा और देखिए ये फंदा हमारा घटा हुआ है दो का एक, एक फंदा सीधा दो का एक। ऐसे करते हुए हम राइट रो कंप्लीट करके बैक रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी राइट रो आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हर दो फंदे का हमें एक करना है। ये देखिए ये हमारा घटा हुआ फंदा है, ये देखिए इस तरीके से दो का एक, ठीक है। ये देखिए घटा हुआ फंदा है इस तरीके से दो का एक, ये देखिए बहुत ही ईजी है। इस तरीके से सभी दो दो फंदों का हमें एक फंदा करना है, ये देखिए। तो देखिए इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी राइट रो आ गई है और देखिए अब हमारे इतने ही फंदे यहाँ पे बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सभी दो दो फंदों का हम एक करेंगे। तो देखिए अब हम शुरू से ही फंदों का एक करने लग जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से दो का एक, ये देखिए दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक और देखिए लास्ट में, ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो मैं इस तरीके से ढीला कर लूँगी, ये देखिए दो का एक। ये देखिए हमारे सभी फंदे घट गए हैं। अब हमें बैक रो नहीं बुननी है, अब देखिए हमें ये फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे ले लेती हूँ, ये देखिए, देखिए हमारे यहाँ पे धागा नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे सिलने के लिए ले लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, सुई में हम इस तरीके से धागा डालेंगे और ये जो फंदे हमारे सिलाई में हैं इन्हें देखिए इस तरीके से, ये देखिए सिलाई में हम ले लेंगे ऐसे, ये देखिए केयरफुली आप इन्हें ले लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया, ये देखिए ऐसे ले लेंगे और हम एक बार और इसी तरीके से इन फंदों को ले लेंगे ताकि ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए दो बार मैंने ले लिया है। अब हम इस तरीके से खींच लेंगे, ये देखिए, और इसे निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से खुले ना, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल साइड साइड में मिलाते हुए हम इसे सिलेंगे ताकि राइट साइड से बिल्कुल अच्छा सा दिखेगा। तो ये देखिए लाइन से लाइन मिलाते हुए हम इसे सिल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल साइड साइड में हमें इस तरीके से सिलाई मारनी है। ये देखिए बहुत ही सफाई आती है इस तरीके से सिलने से, ये देखिए मिलाते हुए आप सिलिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम खींच लेंगे इसे, ये देखिए। और अब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे हम खींचेंगे उसके बाद एक नोट लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल खिसकेगा नहीं अपनी जगह से, ये देखिए इस तरीके से नोट लगा ली, ये देखिए। अब हम मिलाते हुए इसे सिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से बॉर्डर से बॉर्डर को मिला लीजिए, ये देखिए बॉर्डर से बॉर्डर हमने ऐसे मिला लिया। और देखिए बॉर्डर भी हमें थोड़े अलग तरीके से सिलना है तो आप ज़रूर देखिएगा कैसे सिलना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे, ये देखिए लाइन से लाइन हमें मिलानी है, ये देखिए इस तरीके से लाइन मिलाते हुए हम इसे सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप यहाँ से सिल के रेडी हो गई है। ये देखिए जो कैप है, कैप का आधा पोर्शन, देखिए जैसे हमारे जो कैप की बॉर्डर की लेंथ है, देखिए 4 इंच है,
तो हम 2 इंच तक इसे सिलेंगे यहाँ तक। तो देखिए ऐसे 2 इंच तक हमें सिलना है बैक साइड से। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए 2 इंच तक हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से नोट लगा लेंगे। ये देखिए 2 इंच पे नोट लग गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हम इस कैप को इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखिए कैप को हमें सीधा करना है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस कैप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर हम बैक साइड का ही हम इस तरीके से सिल देंगे तो ये जो हमारी सिलाई है वो बाहर साइड दिखेगी। तो हमें क्या करना है, देखिए बाकी पोर्शन को हमें क्या करना है, बाहर की साइड से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से बाहर को हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, उसके बाद हम सिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम बाहर की साइड को इसे सिल लेंगे। इस तरीके से हमने इसे सिल लिया। अब पहले हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे नोट लगा लिया। ये देखिए इस तरीके से एक बार और लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इन धागों को इस तरीके से अंदर ले लेना है। ये देखिए फर्स्ट वाले धागे को हम ऐसे ले लेंगे और देखिए यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे, और इन्हें भी हम क्या करेंगे, सुई में डाल लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इन्हें इसी तरीके से दबाएंगे तो फिर ये पहनने में काफ़ी चुभता है। हम क्या करेंगे, ऐसे इन धागों को इस तरीके से डालेंगे। अगर क्रोशिया है तो उसकी हेल्प से भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें अंदर ले लेंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इन धागों को ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारे धागे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया, क्योंकि हम इस वाले पोर्शन को इतना फोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा देखिए सीधा वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। आधा आपको बैक साइड से करनी है, आधा आपको राइट साइड से करनी है। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। और बिल्कुल रेडीमेड लुक की ये कैप बन के रेडी हुई है। ये देखिए और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखिए पहनने के बाद तो इस कैप का लुक बहुत सुंदर आता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पहनने के बाद इस तरीके का लुक आएगा। अगर आप मार्केट से इस कैप को लेने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती है। और देखिए घर में बहुत कम वूल से ये बनके रेडी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कैप पसंद आई और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।